बेबी प्रोडक्ट्स की तरफ आते हैं तो जॉनसन्स कंपनी का मुकम्मल बायकॉट कीजिए। ये प्योर ज्यूइश कंपनी है, इसकी जगह पे आप कोई भी पाकिस्तानी ब्रांड जिसे आप वाकिफ हैं तो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। जिलेट भी ज्यूइश कंपनी है, इसकी जगह आप ट्रीट के प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। क्रीम्स में फेयर एंड लवली टोटली ज्यूइश कंपनी है, इसका बायकॉट कीजिए। इसकी जगह पे आप केयर हनी लोशन इस्तेमाल कर सकती है। वीट भी एक ज्यूइश कंपनी है, वीट की जगह पे आप निसा हेयर रिमूविंग क्रीम इस्तेमाल कीजिए, बहुत बेस्ट है। हेयर प्रोडक्ट्स में हेड एंड शोल्डर, पैंटीन, डव, सनसिल्क ये बिल्कुल बंद कर दीजिए, सब ज्यूइश प्रोडक्ट है। इस जगह पे आप बायो आमला शैम्पू यूज कर सकते हैं, या हिमानी बाय वसीम बदामी की प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, या सईद गनी की ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेयर प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथपेस्ट में कोलगेट अमेरिका की कंपनी है, सेंसोडाइन भी यहूदियों की कंपनी है, इसको हरगिज मत इस्तेमाल कीजिए। इसकी जगह पे आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट एबीसी टूथपेस्ट या मिसवाक टूथपेस्ट या मैजिक एम टूथपेस्ट इस्तेमाल कीजिए। सोप्स में पामोलिव भी अमेरिका की कंपनी है, इसका भी इस्तेमाल मत कीजिए। लक्स, डव ये सब ज्यूइश प्रोडक्ट्स हैं, इसका भी बायकॉट कीजिए। इसकी जगह आप कैप्री सोप इस्तेमाल कीजिए, वाइटल सोप्स या सूफी सोप इस्तेमाल कीजिए। सोप में सर्फ एक्सल एरियल का बिल्कुल बायकॉट कर दीजिए, इसकी जगह सूफी सुपर सर्फ ये बहुत बेस्ट है, या आप गाय वॉशिंग पाउडर यूज कीजिए। तो याद है कि एरियल वालों ने किस तरह से कुरानी आयत को निशाना बनाया था, सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक चली थी कि एरियल का बायकॉट किया जाए, और थोड़ा सा बायकॉट हुआ कि ये माफिया मांगने पहुंच गए कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर हम मुसलमान 1 अरब से ज्यादा फ्रांसीसी या यहूदियों के प्रोडक्ट का बायकॉट कर दें तो उनके खिलाफ जंग जीत जाएंगे। डिश वॉशर में मैक्स एंड विम का बायकॉट करें, ये यहूदी प्रोडक्ट है, इनकी जगह पे आप सेफोन डिश वॉशर लिक्विड यूज कर सकते हैं या सूफी सोप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायपर्स में प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पैंपर्स का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कीजिए। हगीज भी ज्यूइश प्रोडक्ट है, इसका भी बायकॉट कीजिए। इसकी जगह पे आप लियो पाकिस्तानी कंपनी है, उसके डायपर्स यूज करें, या मॉलफिक्स डायपर्स भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत बेस्ट है। मेकअप की तरफ आते हैं तो रेवलॉन, लोरियल ये सब ज्यूइश कंपनी है, इनका बिल्कुल बायकॉट कीजिए। इसकी जगह आप पाकिस्तानी मेकअप ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है, नबीला, मुसरत मिसबा, ओडो बाय अतीका ओडो, काशी बाय काशिफ, ये सबसे बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। क्लोथिंग और शूज की तरफ आते हैं तो बोस, लेवाइस, मार्क्स एंड स्पेंसर, अरमानी जैसे तमाम ब्रांड्स का बायकॉट कीजिए। इसकी जगह पाकिस्तान के ब्रांड्स खाड़ी, गुल अहमद, वर्दा, स्टाइलो और सर्विस जैसे ब्रांड्स को प्रमोट कीजिए। और आप एक बहुत जरूरी प्रोडक्ट जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है, सैनिटरी पैड्स। तमाम बहनों से गुजारिश है कि ऑलवेज जैसे मनहूस यहूदी ब्रांड का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसके बजाय सेंटेक एक पाकिस्तानी बहुत अच्छा ब्रांड है जिसमें बटरफ्लाई अदर कम्फर्ट रियलर पैकेजिंग में न्यू है, ये बहुत बेस्ट है। ऑलवेज को बायकॉट करने से वाहियात एड्स भी खुद बहुत फ्री चैनल्स पर चलना बंद हो जाएंगे। वीडियो में मैंने बहुत सी ज्यूइश और बहुत सी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को करने की कोशिश की है, और आपकी आसानी के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट को डेवलप करवाकर अपने किचन या अपने फ्रिज में लगाएं ताकि आप चलते फिरते तमाम पाकिस्तानी अशिया को जहन नशीन कर सकें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके अपना फर्ज अदा करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सोचिए कि हम किन चीजों को फरोग दे रहे हैं, हमारी हलाल की कमाई किन लोगों को जा रही है।